देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मामा जी आप ठीक हो ना? आज आप ऑफिस नहीं पहुंच पाए, कहीं कैब खराब तो नहीं हो गई थी रास्ते में? तेनू क्या लगता है, ये टुच्ची हरकतें करके तो शिव को बचा लेगी? एक बात अपने दिमाग में रख ले, तू 24 घंटे तो शिव के साथ चिपकी नहीं रहेगी ना, और कभी ना कभी तो तेरे से अलग होगा, तब क्या करेगी, और तब कौन बचाएगा तेरे को और तेरे शिव को? भाई मुझे कल के लिए आपको ऑफिस चाहिए होगा, मेरे स्टूडियो में कुछ काम चल रहा है और कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सो पूछने की बात है, प्लीज यूज इट। वैसे भी इसे क्या हो गया, ये क्यों देवता सुन के बैठी? यश ब्रो ये सब क्या है यार, ये सब मत करो मेरे साथ, मैं मूड में नहीं हूँ। टेंटेन क्या हुआ, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है मेरे दिमाग में। अरे टीना बताना यार क्या हुआ है, हम सब इतना एक्साइटेड है तेरी शादी के लिए और तू ऐसे मुंह लटका के बैठी हुई है। भैया कुछ नहीं हुआ है, बस मैं थोड़ी सी टायर्ड हूँ ना, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। मैं थोड़ा रेस्ट करके आती हूँ, आप लोग एंजॉय करो। ओके बाय। टिंटिन टीना भाई आप इतनी टेंशन मत लो, वो एक्चुअली उसकी शादी है ना तो थोड़ी टेंशन में होगी, होता है लड़कियों के साथ घर छोड़ के जाना एंड ऑल। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं जा रहा हूँ, पर आप चल रहे हो क्या? नहीं तू जा, मैं बाद में आता हूँ। चलो आई विल सी यू। इसे देख के बचपन याद आ गया। यश और मैं पूरे दिन क्रिकेट खेलते थे और टीना डॉल हाउस बनाती थी। इतना प्यारा डॉल हाउस बनाया उसने। और ये माँ यश मैं और टीना हमारी छोटी सी फैमिली। एहसास तुमसे मिलने का मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। तुम अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हो शिव, इतना ज्यादा कि तुम बेखबर हो कि तुम्हारी फैमिली के ही कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। लेकिन अब उन सबका असली चेहरा तुम्हारे सामने लाना ही होगा। Guys, I loved your ideas. But हम इसको पूरे फैशन शो की थीम नहीं बना सकते, हमें कुछ अलग कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोचना पड़ेगा। हेड शेफ थोड़ा बिजी थे तो उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहा है। जूस दे दो सबको। सर आपको कुछ चाहिए? हाय यश। हेलो आप? अरे मैं रचना कुलकर्णी। ओह तो आप हैं पूजा की बहन। आप एक काम करिए, आप बाहर वेट कीजिए, मैं मीटिंग खत्म करके आपसे बात करता हूँ। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहीं बैठ जाती हूँ, वैसे भी यहाँ का एसी बड़ा फास्ट चल रहा है। अच्छा हाँ, सो गाइस वी वर डिस्कसिंग कि इस बार फैशन शो कैसा होना चाहिए,
अच्छा तो आप फैशन शो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वाओ, मेरे पास ना एक फैंटास्टिक आइडिया, आई मीन फैंटास्टिक आइडिया। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि सेलिब्रिटी रैम वॉक के साथ साथ मेकअप और ग्लैमर का फुल तड़का होना चाहिए, और ना मिर्ची लाइटिंग के साथ साथ फुल बिजली कड़कनी चाहिए, तूफान आ जाना चाहिए, और मतलब ऐसा फैशन शो होना चाहिए कि लोगों की आंखें ना फटी की फटी रह जाएं। आंखों का तो पता नहीं, मेरी जरूर फट जाएगी। पूजा, तुम क्या सोचते हो इस फैशन शो के बारे में? सर, ये मेरा काम नहीं है, मैं इस पे कुछ बोल नहीं सकती। पूजा दाई को कुछ नहीं पता फैशन वैशन के बारे में। मैं तो ना सुबह शाम दिन रात सिर्फ फैशन के बारे में सोचती हूँ, और ना मैं तो बाथरूम में भी मेकअप लगा के जाती हूँ। 3000 फॉलोअर था मेरे इंस्टाग्राम पे, बहुत आइडियाज है मेरे पास। बताओ पूजा, कुछ तो चल रहा होगा तुम्हारे दिमाग में। सर, मैं फैशन शोज देखती नहीं, ना तो मुझे इंटरेस्ट है, और ना मुझे ऐसा कोई फैशन शो याद है जिसने दिमाग पर छाप छोड़ी हो। सिर्फ कपड़े ही तो देखते हैं लोग, सोसाइटी के लिए कोई मैसेज ही नहीं होता। दुनिया जिन्हें सुनती है, जिन्हें देखती है, जिन्हें फॉलो करती है, उन लोगों को अपने काम से दुनिया में ऐसा कोई मैसेज देना चाहिए जिससे समाज में बदलाव आए, लोग एक दूसरे की मदद करें, अपनी बात बोलने के लिए डरे ना। जैसे फिल्मों के किरदार हमें हिम्मत और हौसला देते हैं, ठीक वैसे जो हमें भी सोचने पर मजबूर करे, सालों तक याद रखे, ऐसा ही होना चाहिए फैशन शो। अब मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया सर, सॉरी अगर कुछ ज्यादा बोल दिया होगा तो। मैं चलती हूँ। हवा पूजा था, इन्हें अकाउंट्स के फोटोज भेज दिए, तो सबूत भी है मेरे पास। अब देखती हूँ हमाजी को कौन बजाता है। पांच सौ मैट्रेसेस, जबकि रूम्स तो सिर्फ 280 है। 150 वाइन के बॉटल्स खरीदे गए, रिकॉर्ड सिर्फ 100 का है। ये तो सिर्फ 6 महीने का रिकॉर्ड है, न जाने कितने सालों से मामा जी ऐसे ही शिव को लूट रहे हैं। शिव को तो पता भी नहीं है। नहीं नहीं, मुझे मुझे होटल जाके चेक करना पड़ेगा। अफलातून, ईशानी इतनी रात को कहाँ जा रही हो?
को पीछा करना पड़ेगा इसका। इतनी रात को ये अफलातूनी निशानी जाग आ रही है। वो ये कुड़ी कहाँ गायब हो गई है? आधी रात की दरवाजा की खटखटा रहे, सब ठीक है ना? कहीं मीना से कोई झगड़ा वगड़ा? गल सुनो पहले, और झूठ से ऊपर का सच सुन के ना आपके भी कान खड़े हो जाने हैं। आपकी बहू शानी इस घर से फरार है। क्या? मैं क्या जानू जी की हुआ? वो इन्हीं रात को तुसी टेंशन में इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो, हाँ? धूप पर खानदान की वड्डी बहू इस घर से गायब है। अपनी आंखों से देखा है मैंने उसको भागते हुए। पता नहीं इतनी रात को किसको मिलने के लिए गई होगी। हाय हाय हाय, मैं क्या इन्हीं रात को अपने प्यो के कार ते नहीं गई होगी मिलने? हां जी, पर जय जी, ईशानी रात को कहां गई होगी? हमें क्या पता होगा, पता नहीं कौन से यार से मिलने के लिए गई होगी अपने, उसी को पता होगा ना। तुझे पूरा यकीन है कि तूने ईशानी को ही बाहर जाते हुए देखा था? भोपी की आंखें ना कभी धोखा नहीं खाती। यकीन ना हो ना उसके कमरे में जाके देख लो आप। पता नहीं तू पर खानदान की इज्जत का क्या होगा और उस लड़के ने क्या गुल खिलाने हैं। मैं अभी देख के आती हूँ, तू यहीं रुक। माँ, आप इस वक्त? ईशानी का शानी आसू मैं बाथरूम में चेक करता हूँ। भोपी कह रहा था कि उसने ईशानी को आधी रात को घर से बाहर जाते हुए देखा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? शिव, ये हमारी घर की इज्जत का सवाल है। तू मेरे साथ चल, हॉल में सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैं क्या जानू जी, मैंने तो पहले ही पता था इस चालबाज चोरनी का असली चेहरा, पर इन बेचारों को नहीं पता था। और मैं क्या, दिन में तो वो सती सावित्री पान के घूमती है, ते रात होते ही ना उसके अंदर की डायन जाग जाती है। शिव, फोन लगा उसे, पता कर कहाँ है वो। नाक कटा देनी है इस लड़की ने हमारी। शिव, फोन लगा उसे। टीना के ससुराल वाले जा गए ना तो हम लोग कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मैं क्या, ननन जी बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी उस कुड़ी ने ना आपको कहीं भी मुंह दिखाने लायक छोड़ा ही नहीं है। ये तो बिल्कुल सही मौका है। आज जैसे ही आए ना उसे फौरन इस कार से बाहर का रास्ता दिखा देना, है जी? शिवपुत्र, मैंने तो पहले ही कहा था तेरे को, इस कुड़ी के ना लक्षण ठीक नहीं है। इस कुड़ी ने ना बस बेइज्जती करानी है। ये कुड़ी तेरे लिए, इस घर के लिए, और मैं तो कहता हूँ किसी के लिए भी ठीक नहीं है। शिव, देख क्या रहा है, फोन लगाओ से। पता नहीं किसके साथ घूम रही होगी वो। अब देखता हूँ कि ये किस तरह बचेगी, मेनू चैलेंज करेगी। अब पता चलेगा भूपी से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। भैया, शायद आवाज इधर से आ रही है। शानी, क्या है ये सब? तुम इतनी रात को स्टोर रूम में क्या कर रही थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से कितना लग जा गले आ, लग जा गले, ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। हम सब इतनी टेंशन में आ गए, सबकी नींद बर्बाद कर दी तुमने। ऐसे बिना बताए कौन जाता है? अब बताओ, रात के बीच में स्टोर रूम में क्या कर रही थी? मैं एक जरूरी काम कर रही थी शिव। मैंने अपनी आंखों से देखा था इसको बाहर जाते हुए। मामा जी, मैं कब बाहर गई? मैं तो यही थी। नहीं, आप सपना तो नहीं देख रहे थे?
ईशानी जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ, तुम स्टोर रूम में क्या कर रही थी? जवाब दे लड़की। मम्मी जी मैं जवाब दूंगी, लेकिन ऐसे बोल के नहीं, आप सबको कुछ दिखाना है मुझे। था ना, कैसे ठीक हुआ? ईशानी इसे तुमने ठीक किया। टीना ये शिव की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, इसे फिक्स तो मैंने ही किया, लेकिन इस गिफ्ट के साथ शिव के इमोशंस जुड़े कि तुमने इसे बचपन में बनाया था। भैया थैंक यू। तो क्यूट है। थैंक यू ईशानी। अरे मामा जी जब ईशानी यहां पे थी तो आपने बाहर जाते हुए किसको देखा? पापा जी ने कोई सपना देखा होगा। अक्सर नींद पूरी नहीं हुई मामा जी की। उसी को देखा था यार। इससे पहले कि टीना के ससुराल वाले जाग जाएं, सब लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाओ। तू सबको अपने झूठे जाल में फंसा के पागल बना सकती है, लेकिन मैनू नहीं। मैनू पता है तू बाहर गई थी, लेकिन वापस कब और कैसे आई वो नहीं मेरे को पता। सही बोल रहे आप मामा जी, मैं बाहर गई थी, लेकिन आप कुछ भी कर लो कोई आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। आप कुछ साबित नहीं कर पाओगे। कांग्रेचुलेशंस मामा जी, इस अफलातूनी ईशानी से एक और हार मुबारक। मैं गई तो थी मामा जी के खिलाफ सबूत लाने, लेकिन मामा जी ने मुझे देख लिया और मेरा पूरा प्लान बदल गया। मुझे घर वापस आना पड़ा। शिव मैं क्या प्रूव करना चाहती हो तुम? कि तुम बहुत ईमानदार हो, कि तुम एक बहुत अच्छी बहू हो, एक बहुत अच्छी भाभी, एक बहुत अच्छी पत्नी, कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, क्या क्या दिखाना चाहती हो तुम? ईशानी कुलकर्णी, हम सब तुम्हारी असलियत समझ गए, तो हमें इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करना। शिव तुम गलत समझ रहे हो, ये सब मैंने अपने लिए नहीं टीना के लिए किया। एक लड़की जब अपना सब कुछ छोड़ के अपने ससुराल जाती है ना, ये सब चीजें उसके लिए बहुत मायने रखती है।
ये जो मासूम चेहरा बना के तुम अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश करती हो ना, ये मत करो, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाया अपने भाई के लिए, कुछ नहीं दे सका उसे, लेकिन मैंने सोचा उसकी मौत के बाद मैं उसे इंसाफ दिला सकूंगा, उसकी आत्मा को शांति दिला सकूंगा, लेकिन तुमने मुझसे वो मौका भी छीन लिया, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा शानी, कभी नहीं। मुझसे कितनी भी नफरत कर लो शिव, लेकिन मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की हमेशा इज्जत करूंगी।